गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, टुडे इज डेट 3rd October एंड इन संस्कृत क्लास आई एम हियर टू टीच यू क्लास 10th. चैप्टर 17 स्वाभाविक सादृश्य. जो स्वाभाविक सादृश्य जो दृश्य होते हैं, स्वाभाविक दृश्य जो होते हैं हम लोग के आजू बाजू जो भी, उनके विषय में इसमें वर्णन किया गया है. महाभाष्यकार ने पतंजलि उन्होंने इसमें दिया. इन दिस प्रेजेंट लेसन द डिस्कशन ओवर पाणिनीज एप्रोडिज्म. एप्रोडिज्म बोलते हैं सूत्र को. पाणिनि के सूत्र हैं स्थानीय अंतरतम. हैज शोन हाउ द सजेशंस हैव बीन मेड रिगार्डिंग द कंसेंट गिवन टू दिस प्रिंसिपल्स इन रिस्पेक्ट ऑफ द रिलेशंस ऑफ द म्यूचुअल बिहेवियर ऑफ ह्यूमन बीइंग्स. जो व्यक्ति के जो रिलेशन है आपस में, वो स्वाभाविक रिलेशन जो एक दूसरे के बीच दिखते हैं उसके बारे में वर्णन किया गया है. ग्रेविटेशन, जो ग्रेविटी होता है, ग्रेविटी मतलब अपना जो ये रखते हैं ना कॉन्फिडेंस, सत्ता जो क्या बोलते हैं, एज वेल एज दैट ऑफ द फायर ऑन द लैंड इनकॉर्पोरेटिंग विद द सन. दिस मेथड ऑफ सब्जेक्ट ऑफ वेरियस स्क्रिप्चर इन बुक डिस्कसिंग द ग्रामर ऑफ लैंग्वेज प्रोवाइड्स इंस्पायरेशन टू बिकम एन एक्सपर्ट इन मल्टीपल स्क्रिप्चर. ए स्टूडेंट लर्निंग एनी वन स्क्रिप्चर शुड हैव द नॉलेज ऑफ द प्रिंसिपल्स ऑफ वेरियस स्क्रिप्चर्स. हियर दिस लेसन इज सिलेक्टेड टू प्रोवाइड इंस्पिरेशन ऑफ सच स्किल. महाभाष्यकार पाणिनि हैं, उनके आचार्य पतंजलि इज महाभाष्य. तो वहीं से ये लिया गया है और उसके बारे में स्वाभाविक जो संसार में जो विभिन्न प्रकार के चीजें हैं, जो स्वाभाविक चीज है हम लोग को देखने को मिलता है आजू बाजू अपने आस पास, उनके विषय में ही चर्चा की गई है. इस विषय के अंतर्गत स्वाभाविक सादृश्य नाम ही है कि स्वाभाविक जो नेचुरल चीज हम लोग देखते हैं, दैट इज हियर रिटेन. सो राइट डाउन वर्ड मीनिंग. उपदेश, उपदेश मॉडल, जैसे सुभाषितानी हम लोग पढ़ते हैं तो उसमें जो गुड वर्ड होते हैं और जो हम लोग उपदेश मिलता है, शिक्षा मिलती है, तो दैट इज ऑल्सो कॉल्ड मॉरल. सो उपदेश मीन्स मॉरल. जो महात्मा है, प्रवचन हम लोग सुनते हैं, वहाँ भी उपदेश, जो बड़े बुजुर्ग हम लोगों को कुछ सिखाते हैं वो भी उपदेश है. तो उपदेश मीन्स मॉरल. लोस्ट, लोस्ट मीन्स लंप ऑफ क्ले. लोस्ट तुम लोग जानते हो, जैसे बनाते हैं लोई रोटी बनाने के लिए जो वो बॉल बनाते हैं लोगा, वो दैट इज लोस्ट. उसको लोई को लोस्ट बोलते हैं. लोई, कोई कोई लोई बोलते हैं, कोई कोई उसको पेड़ा बोलते हैं, कोई कोई वो जो गोल आटा का ऐसे पहले गोल बनाते हैं उसके बाद फिर रोटी बेलते हैं, तो वो लोस्ट वही है. लंप ऑफ क्ले, लंप मतलब गोला होता है ऐसे गोल, वो क्ले का किसी भी चीज का. प्रतीति कन्विंसन, प्रतीति कन्विंसन मतलब प्रतीत होता है, कैसा लगता है. सिम्स, सिम्स कन्विंसन. निवाता अ प्लेस ऑफ स्पेस विदाउट विंड. निवाता अ प्लेस ऑफ स्पेस विदाउट विंड, जहाँ हवा पानी का कोई गुंजाइश नहीं है. स्पेस में जाते हैं, सब ऑक्सीजन लेके जाते हैं. निवाता अचेतन मतलब मुरझाया हुआ, अचेतन उसमें जान नहीं है, जैसे फेंट हो जाते हैं ना आदमी, फेंटेड हो जाता है, अचेतन हो जाता है, उसमें चेतना नहीं रहती है. नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट, वो अधमरा हो जाता है. फेंटेड भी लिख सकते हैं, फेंटेड FAINTED फेंटेड. कृश थीन पतला को बोलते हैं, कृश कृष्काया मतलब पतला दुबला व्यक्ति, कृष्काया. पीना है, जो मोटे व्यक्ति होते हैं थोड़े हेल्दी होते हैं, पीना मतलब फैट. तद्यथा जस्ट एज, तद्यथा मतलब जस्ट एज.
प्रयोजन कृतम मेड पर्पसली, प्रयोजन प्रयोजन मतलब कोई काम होता है तो वो पर्पस होता है, कोई काम होता है तो प्रयोजन कृतम मेड पर्पसली, अरवा डाउनवर्ड, अरवा डाउनवर्ड। तो ऐसे कुछ वर्ड यहाँ पर हमने लिखे हैं। रिटन सो लेट्स स्टार्ट द चैप्टर 17 पेज नंबर 79 एंड द टाइटल इज स्वाभाविकम सादृश्यम। स्वाभाविक जो है दृश्य इसमें वर्णित किया गया है। संसारी विविध पदार्थ सन्ति, इन दिस वर्ल्ड सो मेनी टाइप ऑफ ऑब्जेक्ट वी सी, टेबल पशु पक्षी व्यक्ति घोड़ा गाड़ी हवा पानी पेड़ पौधा खाना पीना, सो मेनी थिंग्स। तद्यथा स्वर्ण लोहादयो धातवः, तद्यथा मतलब जस्ट एज, मतलब बताया कि यहाँ पे संसार में बहुत सारे पदार्थ हैं, विभिन्न प्रकार के पदार्थ हैं, जैसे तद्यथा मतलब जैसे और जस्ट एज मतलब उदाहरण के तौर पे, स्वर्ण लोहादयो धातवः सोना चांदी लोहा ये सब हम लोग देखते हैं ना तो वो धातु, वट खादिरादय वृक्षा मतलब वट मतलब बनियान थी बरगद के पेड़, खादिर खादिर भी कोई पेड़ का ही नाम है तो खादिर आदय खादि आदि के पेड़ हम लोग को देखने को मिलते हैं। गो कोट कादय पशुवाचा और गाय और बैल घोड़े आदि पशु पक्षी भी देखने को मिलते हैं। तो देर आर सो मेनी ऑब्जेक्ट वी सी डेली इन दिस वर्ल्ड लाइक गोल्ड स्टील सिल्वर सो मेनी एंड द बनियान ट्री एंड खादी ट्री एंड एक्सेट्रा एंड ऑल्सो वी कैन सी द काउ हॉर्स बफेलो लाइक सो मेनी एनिमल्स। एसु पुनः प्रत्येकमपि पदार्थ भिन्ना भिन्ना भवति, इनमें से भी फिर हर एक पदार्थ जो है भिन्न भिन्न होते हैं अलग होते हैं। एसु मतलब इनमें से भी जो है फिर सभी में सभी पदार्थों में भिन्नता होती है। इन ऑल दीज थिंग्स वी फाइंड सो मेनी डिफरेंसेस। तद्यथा स्वर्णम लोहात् भिन्नम भवति मतलब जैसे कि बोलते हैं ना फॉर एग्जाम्पल द गोल्ड इज डिफरेंट फ्रॉम सिल्वर एंड द सिल्वर इज डिफरेंट फ्रॉम स्टील एंड सो मेनी टाइप, सब अलग अलग होते हैं कोई मिले जुले नहीं है। अथ च प्रत्येकम स्वर्ण खंड परस्परम आकारे प्रकारे च भिन्न भिन्न भवति और क्या, अथ च और क्या, हर स्वर्ण खंड हर जो सोना का टुकड़ा है वो आपस में आकार और प्रकार में भिन्न भिन्न होता है। अब सोना है कोई कान का है तो ये भी सोना है, हाथ का भी सोना है, गले का भी सोना है, जो भी है सोना है, पाँव का भी है, नाक का है, जो भी है माथे का, तो वो सब जो है अलग अलग प्रकार अलग अलग आकार में है और भिन्न भिन्न है। प्रत्येक सुवर्ण खंड जो सोने का खंड है अलग अलग टुकड़ा है वो भी अलग अलग आकार का, कोई लंबा है कोई पतला लंबा है कोई ऐसे गोला है इस टाइप से। तो द ऑल पीसेज ऑफ गोल्ड, ऑल पीसेज ऑफ गोल्ड ऑल्सो इन डिफरेंट शेप, वस्तुतः अस्तित्व रूपेण सत्ता रूपेण वा एते पदार्थाः परस्परं भिन्ना संतीति संतीति प्रतीयन्ते मतलब लाइक वस्तुतः मतलब सचमुच डेफिनेटली इट फील्स इन इन पार्लियामेंट और इन अस्तित्व जो उनके सत्ता है जो राज है किंगडम है ये ऑल थिंग्स आर डिफरेंट लाइक मतलब आई फील दिस ऑल थिंग्स आर
इन दिस वर्ल्ड इज डिफरेंट, परंतु प्रत्यक्षता परस्परम भिन्नेषु पदार्थेषु अपि किञ्चिदेकं स्वाभाविकम् अन्तर्यम् अपि भवति. बट प्रत्यक्षता बट इन प्रत्यक्षता मतलब सामने में, बट प्रत्यक्षता का इन फ्रंट बोल सकते हो. इन फ्रंट मतलब यू सी इन फ्रंट, यू सी एट प्रेजेंट. प्रत्यक्षता मतलब मीन्स एट प्रेजेंट. एट प्रेजेंट प्रत्यक्षता मीन्स एट प्रेजेंट. एट प्रेजेंट जो तुमको दिख रहा है वही हो गया प्रत्यक्ष. तो पदार्थ यदा क्रियाया प्रयुक्ता, परंतु प्रत्यक्षता परस्परम भिन्नेषु पदार्थेषु अपि किंचिदेकं स्वाभाविकम् अन्तर्यमपि भवति. लेकिन जो एट प्रेजेंट तुम भिन्न भिन्न पदार्थ देख रहे हो, जो भी डिफरेंट थिंग्स यू सी इन दैट सम नेचुरल डिफरेंसेस आल्सो इन बिटवीन देम. तेते पदार्थ यदा क्रिया या प्रयुक्ता भवन्ति, जो जो पदार्थ यदा उस जिस क्रिया में प्रयुक्त होते हैं तदा अस्य प्रतीति भवति. जो पदार्थ जिस क्रिया में प्रयुक्त होते हैं वे वैसा प्रतीत होते हैं. जैसे सोने का कार लंबा है, मान लो उसको नाक का बनाना है, कंगन बनाना है, तो वो वैसा प्रतीत होता है, उसका वैसा नाम दिया जाता है. तो विच पदार्थ विच एलिमेंट यूज वी यूज इन डिफरेंट टाइप्स ऑफ things and in different kind of element. Asya siddhantasya upadesha dvaminsati shatvarshebhya purvam acharya patanjalina swakiye vyakaran mahabhashye vidaha. Asya siddhantasya upadesha, is siddhant ka upadesh dvaminsati means 22, sat jo gaya तो 2200 वर्ष पूर्वम, 2200 वर्ष पहले आचार्य पतंजलि ने अपने महाभाष्य में किया था इस सिद्धांत का उपदेश. आचार्य पतंजलि ने 2200 वर्ष पूर्व अपने महाभाष्य में, व्याकरण महाभाष्य है उसमें उन्होंने किया था. सिद्धांत कौमुदी उसका नाम है, व्याकरण महाभाष्य सिद्धांत कौमुदी के नाम से नोटी बुक है, उसमें सारे उनके सूत्र लिखे हैं ये पतंजलि ने. तो वही है कि अस्य दिस दिस वो उपदेश जो उन्होंने बोला है, जो चर्चा की है उन्होंने, वक्तव्य दिया है, दिस मोरल उपदेश मीन्स मोरल, दिस ऑल मोरल्स रिटेन इन पतंजलिस आचार्य पतंजलिस महाभाष्य वेन इट द्वाविंशति शतवर्षेभ्य पूर्वम, वेरी पास्ट 2200 ईस्वी पूर्व. समाजेषु समाजेषु समवायेषु चाक्षिता इत्युक्ते नैव दिशा विषयिषः सते न पांडव पांडुपी येषामेव किञ्चिदर्थ कृतमान्तर्यं तैरेव सहासते. अर्थात समाज के व्यवहारे भोजनार्थं निमित्रितः जनः आकारतः प्रकारतश्च भिन्ना भिन्ना भवन्ति. समाज में यदि भोजन के लिए आप किसी को बुला रहे हो तो 10 व्यक्ति को बुलाए तो 10 आकार प्रकार बातचीत रहन सहन पहनावा ओढ़ावा सब में भिन्न भिन्न होते हैं. एक ही हाइट के सब नहीं होते, एक ही तरह का बातें नहीं करते, एक ही आवाज़ नहीं निकलती है, सबकी पोशाकें अलग अलग होती हैं, सब विभिन्न प्रकार से बोलते हैं, चलते हैं, उठते हैं, व्यवहार होता है. तो दैट इज़ कि
नॉट इन द सेम सेम शेप एंड सेम टाइप. दे ऑल आर इन डिफरेंट शेप एंड डिफरेंट टाइप एंड हाइट ऑल्सो. परंतु यदा तेषां भोजन विधो प्रवृत्ति भवति तदा ते स्वकीयम् आंतरिकं समानत्वं पश्यन्ति परस्परं निकटासना भवन्ति. परंतु जब भोजन की प्रवृत्ति होती है तब वे अपने आंतरिक समानत्व का, जो आंतरिक समानत्व है मतलब सब में एक ही समानता है कि सबको भोजन करना है, सबको ऐसे हाथ उठाना है और मुँह में रखना है, तो दैट इज समानता, ये आंतरिक समानता है. तो उनमें अभिलाषा है कि मुझे भोजन करना है, मुझे पेट को शांत करना, जो भूख लगी है ये उनकी आंतरिक समानता है. भूख तो सभी को लगी है, सभी को हमने भोजन में आमंत्रित किया है, तो दैट इज द इंटरनल सिमिलैरिटी ऑफ देम. बट द इन बट आउट फ्रॉम आउटसाइड दे लुक से डिफरेंट डिफरेंट वे, डिफरेंट हाइट, डिफरेंट क्लोथ्स, डिफरेंट स्पीच, बट इंटरनल दे आर द सेम. आकारेण कश्चित् कृशः जनाः कृशेन सह न तिष्ठति न तु कश्चित् बिना पीनेन सह. आकार में बाई शेप बाई बॉडी कोई जो थीन वो कृशेन सह न तिष्ठति, जो थीन है वो थीन के साथ नहीं रहेंगे, न तो जो हेल्दी है वो इज हेल्दी एंड फैट नॉट स्टे विथ फैट. परंतु ये शाम निश्चित अर्थ कृतम अर्थात भोजन प्रयोजन कृतम सादृश्यम भवति. यदि किसी काम से आए हैं या भोजन के लिए आए हैं, इफ यू केम फॉर मील टेक अ मील, तत् सादृश्यम अनुसरणतः ते एव परस्परम निकटासना भवति. तो अगर खाने सब लोग एक साथ, तो सब एक साथ बैठते हैं, एक पंक्ति में बैठते हैं, एक ही साथ खाते हैं, तो दे ऑल आर सिटिंग टुगेदर. तत् सादृश्यम अनुसरणतः ते एव परस्परम निकटासना भवति. दे ऑल सिमिलर हो जाते हैं और नियर हो जाते हैं, नियर एंड डियर, इट बिकेम नियर एंड डियर. मातुलकुलः मातुलकुलैः सह पितृव्या पितृव्यैः सह उपवेशिता उपवेशिभिः सह तिष्ठन्ति. जो मामा के साइड के हैं वो मामा जैसे ममेरे हैं, मान लो किसी फंक्शन में शादी में गए हो तो जो माँ दोनों साइड के लोग होते हैं, मम्मी के साइड के, पापा के साइड के, तो मामा के साइड के लोग सब एक जगह बैठ के अपने गॉसिप करते रहते हैं, मिलते हैं सब एक जैसे, आंतरिक रूप से वो एक होते हैं, उनके बातचीत मिलती है, सब अपनी अपनी बातें करते हैं. और बाहर रूप से तो अलग अलग होते हैं, कोई कहीं से आए कोई कहीं से आए, और ऐसे ही पिता के घर से आए सब में समानता हो जाती है, सबकी बातें एक जैसी होती है, बट बाहरी रूप से अलग अलग होते हैं. वही बोल रहे हैं मातृकुला मातृकुल ही सर, वो सब मामा मामा सब एक जगह बैठ जाएंगे, चाचा चाचा सब एक जगह बैठ जाएंगे, पितृव्या पितृव्या ही सर, उपवेशिना उपवेशी भी सर, तिष्ठन्ति, सब अपने अपने ग्रुप में बनाकर बैठ जाते हैं. एवमेव गवादीनां पशूनामपि प्रवृत्तिः भवति, ऐसे ही पशु पक्षियों में भी प्रवृत्ति होती है. लाइक दैट ऑल्सो हैविंग इन एनिमल्स एंड बर्ड्स, गाय गाय के साथ बैठी रहती है, कुत्ते कुत्ते के साथ, सबको देखो एक साथ गोल बना के बैठे रहते हैं. गोष्ठेषु समागतं यो यात्रा पशु भवन्ति तेन सह शेरते, वो एक साथ बैठती हैं. आपने रोड पे देखा होगा कई बार चार पांच गायें एक साथ बैठी हुई हैं, कभी झुंड में कुत्ते लोग घूम रहे हैं, तो ऐसे वो भी एनिमल्स भी ऐसा करते हैं. गवादीनाम अचेतनेषु अपि पदार्थेषु नियमो अयम् दृश्यते, गौ आदि में भी एनिमल्स में भी दिस टाइप ऑफ अचेतन जो है मतलब नॉन लिविंग थिंग में भी दिस टाइप ऑफ सिमिलैरिटी देखने को मिलती है. तद्यथा गोष्ठ चित्तो बहुमेघम गत्वा नैव तिर्या गच्छति नोर्धम आरोहति, इसी तरह लोट है वो बहुमेघम गत्वा, लोट जो ये बनाते हैं लंग वॉक ले, इसको जब रोटी बनाते हैं बेलते तो ना ये लंबा जाता है ना टेढ़ा जाता है, ये गोल ही बनता है. इसका उदाहरण दिया कि वो गोल अपने शेप में ही बनता है, वो अपने रोटी का जो आकार है वही ले लेता है.
पृथिव्या विकारा वर्तते इति कृत्वा पृथ्वी में आगच्छति सादृश्यत्वात्। जो पृथ्वी का विकार है वह पृथ्वी का विकार होता है ऐसा करके पृथ्वी पर ही आता है। तथा ज्योतिषो विकारा आर्ची आकाश देशे निवाते सुप्रज्वलितम तैर्तिर्य गच्छति नर्वागारोहति नर्वागारोहति। जैसे ज्योतिष है तो वो आकाश के वो ग्रह स्थिति को देख करके वो अपना काम करते हैं, वो अपने वो ग्रहों का रूप देखते हैं कि कौन किधर जा रहा है उसके अनुसार अपना गणना करते हैं। ज्योतिषो विकारो ज्योतिरेव गच्छत्यांतर्गत ज्योतिष विकार के कारण ज्योति जो ज्योतिष हैं वो गच्छन्ति अंतर्यत वो ज्योति अंतर जाती है। ज्योतिष के विकार जो होते हैं वो ज्योतिष विद्या की बातें हैं वो उसके उसके अनुसार वो जाती है। एवं अत्र महाकाव्य कार्य मानवीय व्यापारिकम सिद्धांत उपनिषद इस तरह यहाँ पे महाभाष्यकार जो है मानवीय व्यवहार को सिद्धांत मानवीय व्यवहार के जो सिद्धांत हैं उनको उपदेश करते हैं उसके बारे में बताते हैं। तेन सह गुरुत्वाकर्षण से सिद्धांत पृथ्वी वाक्य सूर्य सह संबंध से सिद्धांत सूचयन्ति जिसके द्वारा तेन सह उसके द्वारा और उसके द्वारा गुरुत्वाकर्षण ही सिद्धांत को जो पृथ्वी का जो गुरुत्वाकर्षण है जो पृथ्वी की ओर खींचता है सूर्य से संबंध से च सिद्धांत सूचयन्ति सूर्य के साथ जो संबंध है पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण है वो उस सिद्धांत को सूचना देते हैं उस सिद्धांत के बारे में बताते हैं। तो आज हमने 17 चैप्टर स्वाभाविकम सादृश्यम का मीनिंग पढ़ा और इस जो हम लोग आसपास देखते हैं उसके बारे में हमने बताया है कैसे गुरुत्वाकर्षण की स्थिति है क्या है। तो ये आज के लिए इतना ही। स्टे सेफ एंड स्टे होम।